हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं और बेबी फ्रॉक में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इस तरह से बन गया था फ्रेंड्स, ये 6 रो का डिज़ाइन है और 4 रो हमने सीधी सीधी करके बनानी है। आइए सीखते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। 4 रो हमने सीधी सीधी करके बनानी है, उसके बाद हमने डिज़ाइन शुरू करना है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, बाकी फंदे उल्टा बना लेंगे। फर्स्ट रो पूरी रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। सेकंड रो राउंड साइड पूरी रो उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। दो रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम डिज़ाइन की तीसरी रो शुरू करते हैं। पहला वाला फंदा बना लेंगे। अब क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली बनाते हुए पहले इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, और फर्स्ट वाला फंदा को फिर हमने सीधा करके बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली बनाते हुए दो फंदों का पहले हमने एक फंदा बना लेना है, फिर ये फर्स्ट वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे जाली बनाते हुए, और यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फंदा है इसको फिर हमने सीधा बना लेना है और इसको हमने निकाल लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली बनाते हुए दो फंदा का एक फंदा बना लेना है पहले, उसके बाद फर्स्ट वाला फंदा को हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे, फर्स्ट वाला फंदा को हमने फिर सीधा बना लेना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ, दो फंदे का एक फंदा, फिर फर्स्ट वाला फंदा फिर हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, इस तरह से हमने जाली बनाते हुए दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर फर्स्ट वाला फंदा को हमने सीधा बना लेना है। साइड में दो फंदे बचे, इसको हम सीधा बना लेंगे। तीसरी रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिजाइन की। चौथी रो पहला वाला फंदा उल्टा बना लेना है, इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। अब क्या करना है, इन तीन फंदों में से ये जो दिख रहा है इसको हमने बिना बुने निकालना है और इन दो फंदों को उल्टा बना लेंगे। चौथी रो दो फंदे हमने सीधा बना लेना और इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, धागा आगे की तरफ, दो फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख लेंगे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ, ये जाली को हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख लेना है, दो फंदा सीधा, एक दो,
धागा अपनी तरफ, जाली को हमने सीधे हाथ की सिलाई में बिना बुने उतार लेना है, धागा आगे की तरफ, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, जाली को दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख लेंगे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ, जाली को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। अब इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में क्या करना है, हमने पहला वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे, ऐसा फंदा है। अब क्या करना है, ये दो फंदे हैं और इस फंदे को हमने, जो जाली है, इस जाली को हमने इस दो फंदे के ऊपर इस तरह से ले लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो, ये जाली है, इस जाली को इन दोनों फंदों के ऊपर इस तरह से लेके छोड़ देना है और फिर इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेना है, एक दो, जाली को इन दोनों फंदों के ऊपर इस तरह से लेके फिर दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो, इस तरह से हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। जाली दिख रहा है, जाली को इन दोनों फंदों के ऊपर से लेके दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो, दो फंदा उल्टा, जाली है, इसको हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ले लेना है और दो फंदा उल्टा बना लेना है, साइड वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिक्स रो, राउंड साइड, पूरी रो उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो का डिज़ाइन है फ्रेंड से, इसके बाद हमने चार रो सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेनी है। चार रो सीधी बनाने के बाद फिर इन्हीं सिक्स रो को हम रिपीट करेंगे। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड से पूरा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में और बेबी फ्रॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड से। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।